दोस्तों मैं अकेले निकल पड़ा हूँ स्कूटी पे मिथुन के लिए। आपको मैं आज जो सैर कराऊंगा वो है संत खेतेबापा के मंदिर पे। वो एक टूरिस्ट प्लेस है, आप समझ लीजिए। जो भी टूर पे आते हैं, पैकेज टूर पे, तो रन ऑफ कच्छ जो भी विज़िट करने के लिए आता है रन ऑफ कच्छ पे, तो उनको वहाँ पे एक स्पॉट विज़िट के लिए मिलता है। तो वहीं पे जाने वाले हैं दोस्तों, और मैं आपको विज़िट कराऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या है। दोस्तों ये कम्प्लीटली फैमिली प्लेस है, आप एक शाम फैमिली के साथ यहाँ बिता सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, टेंशन से फ्री हो जाएंगे। बहुत ही शांत जगह है, और अगर आप यहाँ रात को रहना चाहते हैं तो रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ चिल्ड्रंस पार्क है। और इसके सिवा दोस्तों इस मंदिर में समूह लगन की व्यवस्था है, यहाँ पर एक साथ 25-30 समूह लगन वगैरह होते हैं शादी के सीज़नों में। जो बहुत गरीब होते हैं, जो शादी का खर्चा वगैरह नहीं उठा सकते अपने फैमिली में, तो यहाँ पे लोग दान करते हैं और समूह में लगन करते हैं, और जो भी एक संसार शुरू करने के लिए जो साधन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब दान दी जाती है। ये समूह लगन यहाँ पे करवाने का कारण यही है कि जो गरीब लोग होते हैं वो उनकी शादी ईजिली हो सके, और उनके शादी के लिए जो भी ज़रूरत होती है सब खर्चे यहाँ पे लोग दान देते हैं, उसे उठाए जाते हैं, और सभी जो भी मेहमान वगैरह आते हैं उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था भी की जाती है। दोस्तों यहाँ पे सब जो बनाया हुआ है कलाकृति वगैरह जो भी है बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही शांत और बहुत ही पीसफुल जगह है। यहाँ आप आएंगे तो आपको मन को बहुत ही शांति मिलेगी, आप कोई भी टेंशन होगा आप भूल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत जगह है। तो मेरा कहना है कि अगर आप गुजरात कभी घूमने आते हैं तो आपको एक बार तो यहाँ आना ही चाहिए, और आपको एक शाम यहाँ बितानी चाहिए। यहाँ पर आपको रहने की खाने की सब व्यवस्था है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर, आपको घर के जैसा खाना मिल जाएगा।